और अब आपको दिखाते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। पेंटागन ने यूक्रेन को मिलने वाले नए हथियारों की लिस्ट को जारी किया। अमेरिका एक बार फिर से यूक्रेन को आर्टिलरी, गोला बारूद और आर्मर्ड व्हीकल देने जा रहा है। इनमें हिमार्स, होबित्सर, एंटी टैंक रॉकेट समेत कई हथियार शामिल। अमेरिकी सेना के पैसिफिक कमांडर जनरल चार्ल्स की तरफ से कहा गया कि ईस्ट चाइना सी में वॉर ड्रिल खत्म होने के बाद भी यूएस आर्मी अपने हथियार वापस नहीं लाना चाहती है। सुपर पावर अगली मिलिट्री ड्रिल के लिए हथियार को तैनात रखना ही चाहते हैं। एनर्जी क्राइसिस पर यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और इसमें प्राइस कैप और गैस के इस्तेमाल पर बात होगी और साथ ही फैक्ट्रियों को बंद रखने पर भी फैसला लिया जा सकता है। रूस की ओर से गैस सप्लाई बंद होने से ब्रिटेन में गैस के दाम 80% बढ़ गए हैं। पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि रूस दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस से त्राहिमाम मच गया है। बिजली के बेतहाशा बढ़े दाम के खिलाफ यूरोप के कई देशों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। फ्रांस, जर्मनी और एम्स्टर्डम में सड़कों पर लाखों की संख्या में सैलाब उमड़ गया है लोगों का और बिजली के बिल जलाते हुए नजर आए लोग। इटली की राजधानी रोम में बढ़े हुए बिजली के रेट की वजह से दुकानें बंद हो गई हैं। रोम में दुकानदारों ने विरोध का अलग ही तरीके अपनाया। पुतलों पर बिजली बिल चिपकाकर रस्सी से लटका दिया गया। पहले कोरोना और अब यूक्रेन वॉर से इटली की इकॉनमी चौपट हो गई। बिजली और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर इंडोनेशिया में भारी जनाक्रोश देखने को मिल रहा है। जकार्ता में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रीय स्मारक पर प्रदर्शन कर छात्र संगठन ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस को ड्रोन सप्लाई करने के मामले में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस की 4 कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया है। रूस से टेंशन के बीच यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने कई देशों को आर्थिक मंदी से उबारने की कवायद को तेज कर दिया है। मुद्रा स्फीति पर काबू पाने के लिए ईसीबी ने अपनी ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है।